नमस्कार, आदाब, हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। जी हाँ, आपने थंबनेल जो है वो बहुत सही देखा है। आज के इस वीडियो में आने वाले नए साल में 2024 में आप कैसे सीयूईटी पीजी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए एक स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, साथ ही साथ मात्र 2 महीने आपके पास अगर समय बचे हैं, जैसे कि जनवरी और फरवरी, मार्च में लगभग आपका एग्जाम होने वाला है, तो इस 2 महीने का कैसे सदुपयोग करके आप अपने 2 साल को अच्छा बनाएं, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में पूरा एकदम कंटेंट वाइज समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ और एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़िएगा अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम बात करना चाहते हैं, सीधा आता हूं कंटेंट पे और एक एक चीज जो है वो समझाने का आपको प्रयास करूंगा। ये वीडियो किन बच्चों के लिए है? 2 तरह के बच्चे आप लोगों में से होंगे, जो कि पहला जो क्राइटेरिया है, पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है, उसमें ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिन बच्चों का अभी बीए चल रहा है, बीएससी चल रहा है, बीकॉम चल रहा है, यानी ऐसे बच्चे जो अपियरिंग है, जिन्होंने अभी पढ़ाई जारी रखी है, अपना सेमेस्टर कर रहे हैं। और दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो पास आउट हो चुके हैं, यानी उनका 1 साल गैप ईयर है, 2 साल गैप ईयर है, या फिर करना चाहते हैं वो नए सिरे से तैयारी। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या चीजें स्ट्रेटेजी हो सकती है, दूसरे जो टाइप के बच्चे जो अपियरिंग बच्चे उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जो बच्चे अपियरिंग है तो उनके लिए 2 तरह के स्ट्रगल्स होंगे। पहला होगा सेमेस्टर स्टडीज और दूसरा होगा एग्जाम प्रिपरेशन, यानी आपको सीयूईटी पीजी की भी तैयारी करनी है, साथ ही साथ आपका सेमेस्टर या तो हो रहा होगा या सर पे होगा। साथ ही साथ एक चीज और समस्या आएगी कि आपका या तो माफ कीजिएगा 5th सेमेस्टर और साथ ही साथ 6th सेमेस्टर, ठीक है, तो ये 6th सेमेस्टर का टाइमिंग जो है वो लगभग आपका कई बच्चों का जो है वो मैच भी करेगा एग्जाम के साथ साथ। तो इसलिए अभी के शुरुआती दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं सीयूईटी पीजी की तैयारी के लिए। दूसरी चीज, ऐसे बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए केवल एग्जाम प्रिपरेशन एकमात्र लक्ष्य है। तो ये दोनों तरह के बच्चे अपनी बात को, मेरी बात को जो है वो अच्छे से समझेंगे और एक एक चीज को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा दावा है, ये दावा है बसंत कुमार चौबे का, कि आपका एग्जाम डेफिनेटली 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 क्रैक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपका पहला स्टेप, पहला आपको करना क्या है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा लोग बहुत अच्छे अच्छे इस पे पंक्तियां हैं कि अक्सर लोग अपने लक्ष्य पर इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको अपना लक्ष्य पता ही नहीं होता। आप में से पूछ दिया जाए, अगर मैं आपसे क्लियरली पूछूं कि ये बताइए कि आप चाहते क्या है, सीयूईटी पीजी की एग्जाम तो देना चाहते हैं लेकिन उसके बाद आप क्या चाहते हैं, तो हर इंसान के अंदर एक विक्टिम मेंटेलिटी होती है, जो मिले तो ले लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे में अच्छे तैयारी नहीं हो पाएगी। एक जो लक्ष्य का जुनून है वो कैसे आता है, वो आता है या तो टारगेट बना लीजिए। टारगेट किस तरह का, यूनिवर्सिटी का टारगेट, मैं बीएचयू को पाना चाहता हूं, मैं बीएचयू में एडमिशन चाहता हूं, मैं जेएनयू में एडमिशन चाहता हूं, आई एम रियली सॉरी। देखिए जोश जोश में जो है पेन भी उछल रहा है, तो आप लोगों का उछलना तो तय ही है, मैं मानता हूं कि आप इसी तरह से उछलते हुए एग्जाम को क्रैक करेंगे। जेएनयू, जेएनयू को मैं पाना चाहता हूं, इसमें इस सब्जेक्ट से ऐसे एडमिशन लेना चाहता हूं, या फिर एचसीयू लेना चाहता हूं, या डीयू लेना चाहता हूं, मैंने 3 ही ऑप्शन रखे हैं। इन 3 ऑप्शन में से अगर कोई आपका ऑप्शन है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और एकदम अच्छे से लिखिएगा कि मैं अभी आगे मैं और बताऊंगा, ठीक है ना, अभी आगे और टारगेट आपको बताऊंगा, तो जुड़े रहिए। अभी फिलहाल के लिए आप टाइप कर लीजिए कि मैं बीएचयू में इस सब्जेक्ट में एडमिशन पाना चाहता हूं, इस कोर्स में एडमिशन पाना चाहता हूं, ये आप टाइप कर लीजिए। दूसरा टारगेट क्या हो सकता है, स्कोर का टारगेट हो सकता है। अब इसको समझिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप जैसे ही अपना सिलेबस देखेंगे, अपना लक्ष्य बनाने के बाद आप सिलेबस ढूंढना शुरू करेंगे अपना कोर्स का, तो कोर्स का ढूंढने के बाद आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। मान लीजिए मैं जेएनयू जाना चाहता हूं और मेरा जो सब्जेक्ट है वो एमए हिस्ट्री है, ठीक है, एमए हिस्ट्री से मैं जेएनयू जाना चाहता हूं, ये पहली बात। दूसरी बात कि मुझे ये पता होना चाहिए कि जेएनयू में कितने मार्क्स के लिए एग्जाम होते हैं, कितने मार्क्स वैलिड होते हैं वहां पर, तो ये आपको पता चलेगा कि ये केवल 300 मार्क्स में ही बात चल जाएगी। यानी आपका अगर आप डोमेन को केवल टारगेट करते हैं तो आप जेएनयू को टारगेट
कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन 300 में, इस 300 में अगर आप जेएनयू जाना चाहते हैं तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो उसका उसके लिए क्या जरूरी है उसके लिए क्या जरूरी है, वो जरूरी है कि आपको पता हो कि प्रीवियस ईयर में आया कितना है, कितने से ऊपर अगर लाएंगे तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आपको टॉपर तो बनना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर पता ही नहीं होगा कि पिछले साल कितने मार्क्स पर एडमिशन हुआ है तो फिर कैसे आप अपना टारगेट बना पाएंगे। इसलिए टारगेट को बनाने के लिए आप समझिए कि कितने मार्क्स तक एडमिशन हो सकता है। तो मैं एक यहां पर जो एग्जांपल लेना चाहता हूं वो एमए हिस्ट्री का ये है कि 300 में से अगर आप ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि 220 नंबर लेकर के आते हैं, 220 प्लस ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर इस नंबर को आप हासिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब जो ये चीज समझिए कि जो गोल बनाया जाता है, लक्ष्य बनाया जाता है, उसके कुछ मेजरमेंट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। वो देखिए क्या है, एस M A R T, ये एक तरीका है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को बना सकते हैं। आपका गोल जो होना चाहिए ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम मेजर, एकदम क्या मैं चाहता हूं वो मुझे पता होना चाहिए। तो मैं 220 अगर प्लस लिखा हूं तो आपको 220 प्लस अपना टारगेट नहीं बनाना, आपको टारगेट बनाना है 226 नंबर मैं पाना चाहता हूं, इस तरह का टारगेट आपका होना चाहिए। दूसरा है मेजरेबल, यानी आप डेडलाइन के साथ उस चीज को मेजर कर पाए कि अगर अच्छा मुझे क्या करना है कि ठीक है ये तो टारगेट हो गया, मेरा लक्ष्य हो गया जो मैं पाना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा सिलेबस का भी एक टारगेट है कि मुझे जनवरी तक मुझे इतना कोर्स खत्म कर देना है, इतने तक मुझे कंप्लीट कर लेना है, इस टेस्ट सीरीज में मुझे इतने मार्क्स तक अचीव कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह का भी टारगेट आपको बनाते रहना होगा, या इतने घंटे पढ़ लेना है, ये मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। आप इस चीज को समझिए कि अपना जो अनुमान है आपके दिमाग में, कम से कम वही एक लाइन है ना कि यू कैन अचीव इट अगर आप उस चीज पर बिलीव करते हैं, इफ यू कैन थॉट अबाउट इट, इफ यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन अचीव इट। तो इस तरह का जो गोल है अगर आप ये समझते हैं कि वो अचीव कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है रियलिस्टिक होना चाहिए, जाहिर सी बात है वो पाने लायक होना चाहिए। और लास्ट है टाइम बाउंडेड, तो टाइम बाउंडेड तो एनटीए ने खुद दे दिया है आपको कि मार्च में 11 से लेकर के 28 तक आपका एग्जाम होने वाला है, जल्द ही आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा। इन सारी चीजों का डिटेलिंग जो है वो द हिस्टोरिका के चैनल पर बना रहता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, सारी जानकारियां आपके ही लिए दी जाएंगी, ठीक है। स्कोर टारगेट आप जब बनाएंगे तो उसमें डोमेन का बनाइएगा अलग और जनरल पेपर का अलग से बनाइएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करना शुरू करिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब जो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम में उलझना चाहते हैं, किसी से प्रेम में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका उसको जानना बहुत जरूरी होता है, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, वो कब ट्यूशन जाते हैं, कब वापस आते हैं, किस रास्ते से आते हैं। तो वही काम आपको सिलेबस करके दिखाता है, जो मैं पाना चाहता हूं उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, कितने मात्रा में पूछी जाएंगी। इसके साथ साथ सिलेबस के साथ साथ मैंने मान लीजिए कि एक बार मैंने PYQ भी खोल लिया, PYQ देख लिया कि भाई आखिर पूछा कैसे जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, उसका लेवल क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। सिलेबस देखने का एकमात्र जो जरिया है वो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, मैं एक मिनट में आपको खोल करके यहां पर आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे गया, यहां मैंने अपना वेबसाइट खोला और इसको आपको डालना है cuet.nta.nic.in, है ना, ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट को आप ध्यान रखेंगे। इसी वेबसाइट पर आप चले जाएंगे इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन में जाने के बाद ये आपका वेबसाइट है, इसमें सिलेबस पे चले जाएंगे और यहाँ आपका ह्यूमैनिटीज है तो ह्यूमैनिटीज के सारे कोर्सेज का आ जाएगा, आपका कोड क्या है, आपका सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। कॉमन पेपर है, अगर MBA है, LLB है तो कॉमन पेपर ढूंढिएगा, आचार्य से है तो आचार्य का, लैंग्वेज से है तो लैंग्वेज का, इस तरह से अलग अलग जो है वो सिलेबस यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहां पर सिलेबस आपने देख लिया, सिलेबस देखने के बाद आपको टॉपिक्स को तीन पार्ट में बांटना है। पहला है टफ टॉपिक्स,
दूसरा है मॉडरेट टॉपिक्स और तीसरा है इजी टॉपिक्स। ये सबके लिए सेम नहीं होते हैं। कोई बच्चा एंशियंट में तेज हो सकता है, कोई बच्चा मॉडर्न में तेज हो सकता है, कोई बच्चा मिडाइवल में तेज हो सकता है। ये हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे टफ कौन सा टॉपिक लग रहा है, उस टॉपिक को आपको थोड़ा अधिक समय देना है, क्योंकि अभी आपके पास समय है तो आराम से आप तीनों चीजों को देख सकते हैं। आपको इधर से आगे बढ़ना है, पहले पहला हम देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे और उसके बाद तीसरा देखेंगे। ये बात मैं नहीं बताता अगर मैंने एक बुक ना पढ़ी होती, उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। इस बुक में कहा गया है कि हमेशा वही काम करिए जिस काम को लगता है आपको कि सबसे कठिन है, उस काम को अगर आप कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा समझ में तो कम आएगा, ठीक है ना, या दिक्कत तो होगी, लेकिन उस काम को करने के बाद आपको इतना मोटिवेशन आ जाएगा कि आप मॉडरेट भी खत्म कर लेंगे और इजी टॉपिक्स तो खत्म कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये एक तीसरा स्टेप हमारा जो रहा वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी बात है वो है शेड्यूल बनाइए। आपका जीवन सुनिश्चित होना चाहिए। आपका जीवन, आप कितने बजे जगते हैं, आप कितने बजे सोते हैं, आप कितने देर पढ़ते हैं, कितने देर खेलते हैं, कितने देर फोन चलाते हैं, इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, डिस्ट्रैक्शन को दूर करना और अट्रैक्शन को पास करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जाहिर सी बात है मन जो है वो बड़ा चंचल होता है। मन क्या होता है, चंचल होता है। उस पर बुद्धि का विजय पाना बहुत जरूरी है। बुद्धि विजय कब पाएगी, जब हमारे पास एक पिछले रात को ही बना हुआ शेड्यूल होगा कि इस अनुसार बाबू मोहन तुमको क्या करना है, फॉलो करना है। तो जान जाइए बंधु कि अगर आप शेड्यूल बना लेते हैं तो आप आराम से अपने दिन को जीत जाएंगे, और दिन को अगर आप जीत गए तो इस संघर्ष को, इस युद्ध को तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो एक नए साल पर ये आप प्रण लेंगे कि अब मैं थोड़ा सा शेड्यूल बनाऊंगा, खुद को जो है वो थोड़ा सा मैं रेगुलेट करूंगा, खुद को जरा मैं संवार लूंगा और उसके अनुसार जाकर के हम तैयारी करने वाले हैं। अब देखिए उसके साथ शेड्यूल बनाने में आपको क्या करना है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि अपीयरिंग स्टूडेंट है, अभी आप सेमेस्टर का भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन का भी, ठीक है, क्षमा चाहता हूं। तो सेमेस्टर के साथ साथ अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अभी से ही, देखिए मैं बता रहा हूं सेमेस्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, आप लोग कैसे पास करते हैं वो सारी चीजें मुझे पता है, ठीक है। आपको टॉपर बनना है, गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, तो आप इस वीडियो को मत देखिए, आपके लिए स्ट्रेटेजी दूसरी होगी, ठीक है। आप अगर एक एवरेज मार्क्स से सेमेस्टर पास करके एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये है कि पहले सेमेस्टर का भी पीवाईक्यू देख लीजिए और उसके अनुसार आंसर राइटिंग अपना शुरू कर दीजिए। एक हमारा आंसर जो है वो पैटर्न शुरू हो जाना चाहिए, लिख जाना चाहिए कि मैंने ये क्वेश्चंस का मेरा तैयार है, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो वो मैं लिख दूंगा। बस इतना ही सेमेस्टर को चाहिए होता है। ऑलमोस्ट मान लीजिए अगर 2 घंटे आप यहां पर दे देते हैं तो आपको कम से कम आपको समय जो है वो 6 घंटे के आसपास एग्जाम को आपको देना होगा। ये मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आपको डर लग रहा है तो आपको शुरू करना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, तो ये चीज आपको समझना होगा कि अगर ये स्टैंडर्ड लग रहा है तो आपको शुरू करना चाहिए कम से कम, लेकिन इस इतना बहुत ज्यादा जरूरी है, इतने से कम में बात नहीं बनने वाली है, ये बात आप ध्यान रखिए। और इन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी पास आउट है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको 4 घंटे सुबह में और 4 घंटे शाम में, ये जो एक गोली है उस बात को आप ध्यान रखिए, इसको आप लेते रहिए, ठीक है। 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम इसको आप पढ़ते रहेंगे तो काम हो जाएगा तमाम, परीक्षा हो जाएंगे आप पास, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसको आप बांटेंगे किस तरीके से, 2 तरीके से बांटना है। पहला है कॉन्सेप्ट लर्निंग और दूसरा है टेस्ट, यानी केवल सीखना ही नहीं है, हमें खुद को जांचना भी है, खुद को परखना भी है। तो क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या क्या चीजें हो सकते हैं, जैसे मैं YouTube वीडियोस का माध्यम ले लिया, उसके बाद मैंने स्टडी मटेरियल्स ले लिया, ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, किसी कोचिंग के हो सकते हैं, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स हो गए जो मैं पढ़ना चाहता हूं, और साथ ही साथ ऑनलाइन कोर्सेस भी चल रहे हैं तो उनके लेक्चर्स देखना। जैसे अगर मान लीजिए कि आप हिस्ट्री से एमए की तैयारी करना चाहते हैं तो बीएचयू वाले द हिस्टोरी का एक अपना संग्राम बैच चला रहा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, बीएचयू वाले के नाम से है, वहां
वहां जाकर के आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। खैर चलते हैं, तो आपको इन चारों में या जो भी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं, उनमें इस समय को बांटिए। आधा समय ऑलमोस्ट आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग पे जाएगा और दूसरा आधा समय, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अभी के लिए फिलहाल एक महीने के लिए 70-30 का रूल लेकर के आप चलेंगे, यानी जितना भी समय है, अगर 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि 430 आवर्स आपको लेकर के चलना है कॉन्सेप्ट लर्निंग पे और 330 आवर्स आपको लेकर के चलना है किस चीज पे, टेस्ट पे, खुद को जांचने पे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज, एक चीज और समझिएगा यहां पर, मैं रिपीट करना चाहूंगा, वो बात ये है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेस के पीछे मत भागिएगा, एक जगह से सटीक चीज समझने का प्रयास करिएगा, उसी के माध्यम से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आते हैं टेस्ट में। टेस्ट में क्या चीजें हैं, तो आपका मान लीजिए कहीं टेलीग्राम क्विज हो सकता है, जैसे अगर एमए हिस्ट्री में आप हैं तो आपका जो बीएचयू वाले का टेलीग्राम लिंक है, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, दोनों चीजें, ऐप की लिंक और साथ में टेलीग्राम क्विज की लिंक, तो वहां टेलीग्राम चैनल की लिंक, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए आप, और वहां पर रात को 9 बजे टेलीग्राम क्विज चलाया जाता है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जैसे बीएचयू वाले ने भी जारी कर दिया, विद द हिस्टोरिका ने अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है हिस्ट्री के लिए, बाकी बच्चों के लिए भी जल्द ही आएगा। अगर आप कमेंट करके बता दे हमें कि आप किस कोर्स से एडमिशन लेना चाहते हैं और क्या आप चाहते हैं कि बीएचयू वाले जो है वो द हिस्टोरिका टेस्ट सीरीज लॉन्च करे, तो ये आप अगर बताएंगे तो फिर आपको मदद की जा सकती है। उसके साथ टेस्ट के लिए क्या और जरिया हो सकता है, तो पीडीएफ प्रैक्टिस हो सकती है, आपने कहीं से डाउनलोड कर लिया, उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लास्ट चीज क्या हो सकती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी आपके पास कोई बुक हो जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। तो ये टाइमिंग आपका फिक्स रहना चाहिए कि इतने टाइमिंग तक जो है वो मैं कॉन्सेप्ट सीखूंगा, इतने टाइमिंग तक मुझे क्या सीखना है, टेस्ट देना है, खुद को परखना है, खुद को आगे बढ़ता हुआ देखना है, क्योंकि हर बार जैसा आप सोच रहे होते वैसा नहीं होता है, टेस्ट आपको आईना दिखाता है। समझिए, आगे समझते हैं, प्रेशर को हैंडल करना सीखिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बच्चों को परेशान कर देती है, और ये चीजें दूर कैसे होंगी, वो दूर होंगी टेस्ट देने से, वो दूर होंगी लड़ाई में जमे रहने से, युद्ध में डटे रहने से। बात समझ में आ गई ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्म क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, है ना। तो इसलिए वही लोग प्रेशर उन्हीं पर आता है जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, जो किसी युद्ध में होते हैं। साथ ही साथ ये सेरेनिटी प्रेयर है जो मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है, इसको थोड़ा अगर डीपली आप समझना चाहें तो ये कह रहा है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। हे ईश्वर मुझे क्षमता दो, हे ईश्वर मुझे ये स्वभाव दे दो, हे ईश्वर मुझे ये समझने की क्षमता दे दो कि मैं जो चीजें नहीं बदल सकता उसको मैं एक्सेप्ट कर लूं, उस चीज को मैं संभाल लूं, जैसे कि पेपर कैसा आएगा, एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो उन चीजों का हम टेंशन छोड़ दें, हमारे बस में क्या है। तो उसके लिए दूसरी चीज है, द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, वो साहस दो ईश्वर, हे ईश्वर वो साहस दो कि मैं वो चीजें, वो चेंज जो मैं कर सकता हूं उसको मैं कर सकूं, यानी क्या कि मैं तैयारी कर सकूं, मैं अपना शेड्यूल बना करके पढ़ाई कर सकूं, मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकूं, ये आपके वश में है, इस पर आपको कोई नहीं रोक सकता, इस लाइन से ही आपको, और साथ में लास्ट में एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस, और ये भी हमें बुद्धि दे दो कि हम पता कर पाएं कि किस चीज को हम बदल सकते हैं और किस चीज को नहीं बदल सकते। ये लाइन अगर आप अपने अंदर गाथ लेंगे तो प्रेशर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम प्रेशर अक्सर उन चीजों का ले रहे होते हैं जो चीजें हम नहीं बदल सकते, और जिन चीजों का हम बदल सकते हैं उन चीजों का प्रेशर लेना क्या बंधु। चलिए आगे चलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट और शायद ये लास्ट चीज है, वो लास्ट चीज हमारी क्या है, वो है रिवीजन कीजिए। ये बात मैंने बहुत ही बोल्ड अक्षरों में लिखी है क्योंकि बच्चे इसका मतलब नहीं समझ पाते। रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा जरूरी है वो मैं बता ही नहीं सकता। तो इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एक चीज पढ़ते हैं तो उसको जो आपने पढ़ा है पिछले, इसका भी एक तरीका मैं बता देता हूं। इसका तरीका क्या हो सकता है, अगर आप 30 मिनट्स पढ़ते हैं, ठीक है, 30 मिनट्स की आपने पढ़ाई की, तो आपको क्या करना है कि अगले 5 मिनट में एक बार इसको रिवाइज करना है, 5 मिनट्स, ठीक है,
5 मिनट्स। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको ये चीज एक दिन तक याद रहेगी। कितने दिन तक? एक दिन तक आप इसके लगभग 90% चीजों को आप याद रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आप 30 मिनट्स का मान लीजिए कि आपने 4R पढ़ा है, ठीक है, 4R आपने इस तरह से पढ़ लिया, और फिर जब अगले दिन जो 4 घंटे फिर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो इसको आपको अगले 15 मिनट में फिर से नेक्स्ट डे रिवाइज करना है। 15 मिनट में इसको नेक्स्ट डे रिवाइज करना है। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो आपसे क्या होगा, ये चीजें 7 दिन तक आपको याद रहेंगी, आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे 7 दिनों तक। 7 डेज के बाद आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को एक बार फिर से 15 मिनट्स में रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो इस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपका लाइफ टाइम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम हो जाएगा। इसलिए जो है अपनी कॉपी को, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चीज पे बात कर लेते हैं और वो है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप जितना बोल ले, आप जितना सोच ले, आप जितना इच्छा शक्ति दिखा ले, आप जितना जोश दिखा ले, आप चाहे कुछ भी कर ले, जब तक कि आप काम नहीं करेंगे, जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक कि आप करना नहीं चाहेंगे, जब तक कि आप शेड्यूल नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको पढ़ना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पढ़ना बोरियत होता है लेकिन वही एकमात्र उपाय है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, कमेंट करके बताइए अपने लक्ष्य को, आप अभी अपने लक्ष्य को किस तरह से महसूस कर रहे हैं, आप कौन से यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स से किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस तरह लिखिएगा। मैं बसंत कुमार BHU में MA हिस्ट्री कोर्स से 250 मार्क्स के साथ एडमिशन लेना चाहता हूं CVT PG 2024 के एग्जाम के माध्यम से, ये लिखिए और आकर के एग्जाम के बाद मुझे बताइएगा, मेंशन करिएगा, सर देखिए मैंने लिखा था और वो मैंने पा लिया। बस अंतिम में यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करिए अगर प्यारा लगा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यहां पर मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को नए वर्ष और साथ में अग्रिम बधाई एग्जाम के लिए, एग्जाम पास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।